प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिए हैं वो भलाई के ऊपर है, हालेलुया। पाप को कैसे हम अपने अंदर आने से रोक सकते हैं? मैंने कई बार बताया है, मैं क्यों पाप के ऊपर बार बार बात करता हूं, क्योंकि पाप ही हमें परमेश्वर से दूर करता है। हम व्यभिचार करना, हत्या करना, चोरी करने को ही पाप समझते हैं। हमारे अंदर अगर परमेश्वर जैसा स्वभाव नहीं है, हम अगर भलाई करना जानते और नहीं करते हैं, तो बाइबल कहती है वो भी पाप है। आमीन। पाप कैसे हमारे अंदर ना आए, क्योंकि हम पाप में जीवन जी, पाप में संसार में हैं। हम शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं, परमेश्वर के चुने हुए दास हैं, दासी हैं, लेकिन हम कहां पर चल रहे हैं? हम फिर रहे हैं इस अंधकार की नगरी में। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें अपने आप को सशक्त करते हुए आगे बढ़ना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाप को कैसे आप अपने अंदर आने से रोक सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। पाप आपके अंदर ना आए तो हमें क्या करना चाहिए? आप समझते होंगे कि बहुत बड़ा कोई हमें उपवास के साथ हमें बैठना पड़ेगा, या हमें कोई वचन को पढ़ना पड़ेगा, या हमें बहुत सारा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि पाप का कोई भी चीज, पाप का कोई भी अस्तित्व आपके अंदर ना आ जाए, पाप का कोई भी बीज आपके अंदर ना आए, तो एक ही काम करिए और बहुत ही आसान है, वो है भलाई। हालेलुया। आप भलाई करिए, पाप आपके अंदर नहीं आएगा। मैं आज आपको प्रूफ कर दूंगा। आप भलाई करिए, पाप आपके अंदर कभी नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर भलाई करने का बोझ है, अगर आपके अंदर भला करने का बोझ है, बाइबल कहती है उत्पत्ति 4:7 पढ़िए मेरी बहन, तो पाप आपके अंदर नहीं आ सकता। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? आमीन, आमीन। कैन के लिए परमेश्वर ने यही उपदेश कहा था। आप सबको पता है कैन और हाबिल की कहानी। परमेश्वर ने दशांश के बारे में बोला और दशांश के लिए पहला खून हुआ, वो हुआ हाबिल का, दशांश के लिए। हाबिल की भेंट स्वीकार की और कैन की भेंट स्वीकार नहीं की, और वो क्रोधित हो गया। और यहां परमेश्वर कहता है कि तू अगर भला करे तो क्यों नहीं ग्रहण किया जाएगा? तो ग्रहण किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। किसके ग्रहण की बात हो रही है? परमेश्वर की। हमें किसको ग्रहण करवाना है अपने आप को? हम किसके चरणों में आना चाहते हैं? हमारी क्या इच्छा है, हमारी क्या प्रार्थना है कि हमको कौन ग्रहण करे? आमीन। परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। संसार अगर आपको ग्रहण कर भी ले, संसार अगर आपको अपना बना भी ले, और अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। बाइबल कहती है कि अगर आपने संसार को जीत लिया और आत्मा को खो दिया तो आपने कुछ भी नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तू भला करे तो क्या तू ग्रहण नहीं किया जाएगा? आमीन। ये हमारे लिए भी है। आज ये परमेश्वर कैन से बात नहीं कर रहा है, हमसे बात कर रहा है। हम कभी कभी निरुत्साहित हो जाते हैं, हम कभी कभी व्याकुल हो जाते हैं, हम निराशा हमारे अंदर आ जाती है, संदेह आ जाता है कि परमेश्वर हमारी क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, क्यों उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है।
क्यों मेरे आंसुओं को नहीं पहुंच रहा है वो, क्यों क्यों मुझे ग्रहण नहीं कर रहा है। हालेलुया। वचन कहता है क्या तूने भलाई की, यदि तू भला करेगा तो क्या तू ग्रहण नहीं किया जाएगा। आमीन। बाइबल में एक चीज और भी लिखी है, पहला पत्रस 5:5 कि परमेश्वर अनुग्रह अभिमानियों का विरोध करता है और दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। आमीन। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। अभिमानियों पर अनुग्रह, पढ़ो बेटा 5:5। इसी प्रकार हे नवयुवको, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। आपके अंदर दीनता और नम्रता ही आपको परमेश्वर के करीब ले जाती है, लेकिन कभी कभी आपके अंदर घमंड आ जाता है। हालेलुया। कभी कभी आपको क्रोध भी आता है कि नहीं आता है, कभी आपके अंदर क्रोध आता है, कभी कभी आप अपशब्द भी बोल देते हैं, कभी कभी आपके अंदर भावना गलत हो जाती है, कभी कभी आपके अंदर स्वार्थ आ जाता है। क्यों? इसका इसका सबका कारण है घमंड। सोच के देखिए, अगर आपके अंदर घमंड है तो आपके अंदर ये पाप आएंगे। लूसीफर के अंदर कौन सा पाप था, क्या किया था पाप उसने? क्या चोरी की थी, क्या खून किया था, क्या डकैती डाली थी, व्यभिचार किया था, क्या किया था लूसीफर ने? घमंड किया था। आमीन। घमंड किया था कि मैं खूबसूरत हूं, मैं अच्छा गाता हूं, मेरी आवाज अच्छी है, मैंने पूरा, मैं जब गाता हूं तो परमेश्वर खुश होता है। सिर्फ घमंड। इसलिए परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, सामने खड़ा हो जाता है परमेश्वर। अब सोचिए, अगर आपका पड़ोसी आपके सामने खड़ा हो जाता तो आपको डर लगता है कि यार मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार खड़ा हो गया, मेरा गांव का लोग मेरे सामने खड़े हो गए, मेरे विरोध में खड़े हो गए, मेरा पास्टर खड़ा हो गया विरोध में। लेकिन अगर सोचिए आपका परमेश्वर आपके विरोध में खड़ा हो जाए तो आप कौन सी स्थिति में हैं? हम कहां जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे मांगने के लिए कि परमेश्वर हमें बचाओ, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि हमने घमंड किया है। इसलिए बहुत 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 जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें, अपने शब्दों को जांच कर बोलें, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे बैठने का तरीका। परमेश्वर ने अगर आपको बुद्धि दी है और अगर आप अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं तो परमेश्वर आपके विरोध में है। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर आपको खूबसूरती दी है और आईने में खड़े होकर आप अपने आप को देखते हो, कहते हैं अरे देखा कितने खूबसूरत हूं मैं, हमारे अंदर यह स्वभाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि दीनता और नम्रता जो स्वभाव लिए हैं उनके साथ परमेश्वर अनुग्रह करता है। हालेलुया। रोमियो 6:4 क्या है, 6:14 क्या लिखता है? तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन रहोगे। आमीन। अनुग्रह के अधीन है तो आपके अंदर पाप की व्यवस्था नहीं है, आपके अंदर पाप नहीं प्रभुता करवाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मसीह होने के बाद भी आपने अगर पाप किया, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपका क्रोध आ रहा है, मसीह होने के बाद भी आप गलत गालियां दे रहे हैं, गलत शब्द बोल रहे हैं, तो यानी कि उस समय आप अनुग्रह के अधीन नहीं है। तो ये क्यों आया,
क्यों आपके अंदर क्रोध आया? क्योंकि आपके अंदर घमंड था, तभी आपके अंदर क्रोध आया है। अगर घमंड नहीं होगा तो क्रोध नहीं आएगा, अगर घमंड नहीं होगा तो व्यभिचार नहीं आएगा। घमंड ही है जो हमें दूर करता है। इसलिए घमंड का तोड़ क्या है? भलाई। अगर घमंड को तोड़ना है तो भलाई करिए, भलाई करिए। इसलिए परमेश्वर कहता है कैन से कि अगर तू भला करे तो क्या तू ग्रहण नहीं किया जाएगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मैं भला करूं तो क्या मैं ग्रहण नहीं किया जाऊंगा? हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि अगर कोई तुमसे 1 किलोमीटर चलने के लिए कहे तो 4 किलोमीटर उसके साथ चलो। नया नियम कहती है कि नहीं कहती है? आमीन। अगर कोई आपको आपसे कमीज मांगे तो उसको अपना कोट भी दे दो। हालेलुया। क्यों? ताकि आप उस भलाई के साथ अपनी दीनता को बना के रखें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या दिया हमें? उत्पत्ति 1:26 क्या कहता है कि आओ हम इन्हें अपनी समानता अपने स्वरूप में रचें। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपने स्वरूप हमें दिया है, अपनी समानता में हमें बनाया है। इसलिए उसने अपनी आत्मा हमें दी है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके स्वरूप का पहला, उसके स्वरूप की जो पहली इच्छा है वो है दीनता, वो है नम्रता। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे अंदर दीनता और नम्रता है और अगर हम भलाई करते हैं तो घमंड आपके अंदर नहीं आएगा, पाप आपके अंदर नहीं आएगा। हालेलुया। अगर आप भलाई नहीं करेंगे तो आपके अंदर पाप आएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल में लिखा है जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, ताकि तुम्हारे अंदर से प्रेम ना जाए। परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:16। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है परमेश्वर उसमें बना रहता है। आमीन। इसका दूसरा पार्ट पढ़िए, 1 यूहन्ना 4:16 का दूसरा पार्ट। परमेश्वर प्रेम है। हाँ। और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। आमीन। अगर आपके अंदर प्रेम है तो परमेश्वर आप में है, आप में बना रहता है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर आप में नहीं बना रहता है। इसलिए कुछ भी हो हमारे अंदर से प्रेम ना जाए। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रेम करना ना छोड़े, हमारे अंदर प्रेम की जो भावना है वो हमेशा बनी रहे। यीशु मसीह स्वर्ग से जमीन पर हमसे प्रेम करने के लिए आया, इसलिए उसने कहा दुश्मनों से प्यार करो। इसलिए वो कहता कि अगर कोई तुमसे 1 किलोमीटर चलने के लिए कहता तो 4 किलोमीटर चलो, क्योंकि तुम उसके अपने स्वभाव से तुम उस आदमी के मन को जीतो। आमीन। हमारे स्वभाव में प्रेम होना चाहिए, तभी हम किसी को जीत सकते हैं। कैसे जीता आपको परमेश्वर ने? कैसे जीता पता है? आप कैसे उसके हो गए? जब आपने परमेश्वर का प्रेम देखा, जब आपको यीशु का प्रेम समझ आया कि इतना प्रेम करता यीशु हमसे, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दे दी। जिस दिन हमें यह समझ आने लगा हम बिक गए, हम प्रभु के हो गए कि नहीं, यही प्रभु है, यही पिता है जो हमारा है, रखवाला है, जो हमारा संरक्षक है, और कोई दूसरा नाम नहीं है। उस दिन हमने सब कुछ निकाल दिया, उस दिन हमने संसार से बैर कर लिया, रिश्तेदारों से बैर कर लिया कि नहीं हमें यीशु चाहिए, क्योंकि हम उसके प्रेम को समझ गए। आमीन।
यही प्रेम तो हमें समझाना है. प्रेज द लॉर्ड. बच्चा मां बाप के प्रेम को जिस दिन समझ जाता है उस दिन बच्चे का रूप बदल जाता है. लेकिन होता क्या है, अक्सर बच्चा थोड़ा सा देर में समझता है. जब वो खुद बाप बनता है तो उसे एहसास होता है कि अपने मेरे मां बाप ने इतना प्यार किया था यार मेरे लिए. बहुत जरूरी है कि हम अपने मां बाप के प्रेम को समझें. मां बाप क्या चाहते हैं, प्रेम क्या चाहते हैं कि जो हम बच्चे के लिए कर रहे हैं, मेरा बच्चा मेरे प्रेम को समझे, मेरे त्याग को समझे. क्या चाहता है परमेश्वर आपसे? उसने आपको नया जीवन दिया, उसने आपके सारे पापों से आपको मुक्त किया, अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया. क्यों? ताकि आप उसके प्रेम को समझे. यीशु मसीह स्वर्ग से जमीन पर आया. क्यों? ताकि आप पिता के प्रेम को समझे. आमीन. प्रेम ही है जो हमें बांधता है, प्रेम ही है जो हमारे अंदर से डर निकालता है, प्रेम ही है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, प्रेम ही है जो हमें बताता है कि वही है सच्चा मसीहा और कोई दूसरा नाम नहीं है. क्योंकि वो हमारे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया. हेलो. यही चाहता है मेरा पिता. प्रेज द लॉर्ड. क्या आप उस परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं? अगर आप उसको अपना पिता मानते हैं तो किसी भी परीक्षा से आप डरेंगे नहीं, किसी भी कमी घटी में आप निराश नहीं होंगे, अगर आप उसे अपना पिता मानते हैं. प्रेज द लॉर्ड. अगर आप विश्वास करते हैं कि आपका पिता स्वर्ग में सिंहासन पर है और सब कुछ उसके हाथों में है, अगर आप चिंता करते हैं, बाइबल में क्या लिखा हुआ अपना फिलिप्पियों 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो. अगर आप उसे पिता मानते हैं किसी भी बात की चिंता मत करिए, कोई भी बात. Praise the Lord. Hallelujah. किसी भी बात की हमें चिंता नहीं करनी है, बल्कि हर बात में हमें निवेदन और प्रार्थना करनी है. क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारी हर कमी घटी को जानता है. Praise the Lord. इसलिए जब आप भलाई करते हैं ना मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपको किसी की भलाई अच्छी नहीं लगती तो आप में पाप है. मरियम मगदलीनी यीशु के सिर पर तेल उड़ेल रही थी, वो यीशु के संग भलाई कर रही थी, प्रेम कर रही थी, और यहूदा इस्करियोती को पसंद नहीं था. इन्हें पसंद नहीं था उसको, कहता कौन है ये, क्या है, 300 दिनार की बोतल फोड़ रही है औरत ये. Amen? क्योंकि उसके अंदर पाप था. अगर आपके अंदर भलाई करने का आनंद नहीं आता है तो आप अपने आप को जांचिए, कहीं आपके अंदर पाप तो नहीं है. Amen? कोई किसी के लिए भलाई करता है, आपको ईर्ष्या होती है. परमेश्वर किसी के साथ भलाई करता है, आपको ईर्ष्या होती है, कहीं आपके अंदर पाप तो नहीं है. आमीन. हेलो. आमीन. याद रखिए परमेश्वर देने वाला है. प्रेज़ द लॉर्ड. आज मैं आपको राहाब वेश्या से मिलवाऊंगा. राहाब वेश्या का नाम सुना आपने? हालेलुया. देखिए मैं आपको सच बताऊं, इस राहाब ने भलाई की थी और इसका जीवन बदल गया. ये एक वेश्या थी. आमीन.
कैसे परमेश्वर ने इसका जीवन बदल दिया। मैं सच कह रहा हूं, जब मैं ये पढ़ रहा था मैं रोमांचित हो गया। कितना अद्भुत प्रभु है, उसने सिर्फ भलाई की और कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ भलाई की। आमीन। उसका जीवन परिवर्तित हो गया, उसके परिवार का उद्धार हो गया। आमीन। भलाई में इतनी शक्ति है। हम कभी भलाई करने से कभी कभी हट जाते हैं पीछे, नहीं। अगर आपके मन में परमेश्वर भलाई करने की चाह रखता है, बोझ देता है, करिए, जरूर करिए। अगर आपके मन में आता मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं, करिए, जरूर करिए। आप किसी की सहायता कर सकते हैं, जरूर करिए, भलाई करिए। आपके अंदर एक भलाई का बोझ होना चाहिए कि मुझे भलाई करनी है। ये राहाब जो है वो एक वैश्या थी और यरीहो शहर में एक अपना वैश्यालय चलाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। यरीहो अपना यहोशुआ ने अपने दो जासूस भेजे और उनसे कहा कि जाकर तुम यरीहो शहर को देखो, उसकी जासूसी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। तब नून के पुत्र यहोशुआ ने दो पुरुषों को जासूसी के लिए शित्तिम से गुप्त रूप से ये कहकर भेजा, जाओ और उस देश को विशेषकर यरीहो को ध्यान से देखो। इसलिए वे गए और राहाब नामक वेश्या के घर पहुंचकर वहीं ठहरे। मैं एक सवाल यहां पर उठता है कि जब ये यरीहो शहर का जासूसी करने के लिए आए तो ये वेश्या के घर में क्यों गए? मैं सवाल उठता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वेश्या के घर में पूरे शहर के हर जाति के हर तरीके के लोग आते हैं, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, कानून के भी आते होंगे, पुलिस वाले भी आते होंगे, राजमहल से भी आते होंगे, मंत्री का भी भेष बदल के आते होंगे। हर तरीके के लोग जो हैं वो वेश्या के घर में आते हैं। तो इन्होंने वो जगह चुनी कि यहां से उनको पूरे शहर के बारे में पता लग जाएगा कि शहर में कितना ताकत है, शहर में कितना पैसा है, शहर में कितने लोग हैं और राजा किस स्थिति में है, ये किस तरीके से राजा के अंडर काम कर रहे हैं और खुश हैं कि गलत है, ये सारी चीजें इनको यहाँ से पता लग जाएंगे। तो ये वहां पर रहे और ठहरे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पर जब राजा को पता लगा कि साहब ये गुप्तचर आए हुए हैं, ये गुप्तचर आए हैं और यरीहो शहर को देखने के लिए आए हुए हैं, उसने अपने आदमियों को भेजा, सैनिकों को भेजा और राहाब से बोला कि भाई तुम्हारे अगर ये लोग आएंगे तो इनको भेज देना। अब यहां से देखिए इसकी भलाई शुरू होती। किसने भेजा? राजा ने भेजा, सैनिक आए। हालेलुया। लेकिन उसने उनसे क्या कहा? राहाब ने क्या, आए तो थे लेकिन चले गए, आए थे और चले गए, शाम को सूरज ढलने से पहले ही चले गए, कहां गए मुझे नहीं पता। लेकिन सैनिकों तुम जाकर अपने सारे दरबान जो है, सारे जो दरवाजे हैं बंद करो, तुम्हें अभी मिल जाएंगे, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, और जाकर उनसे पकड़ लो। हालेलुया। लेकिन राहाब ने उन दोनों को छत के ऊपर छुपा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक वेश्या ने भलाई की, क्या किया? वो पकड़ी जा सकती थी, हो सकता था सैनिक उससे पूछे कि चलो ठीक है हम पहले देखते हैं यहां पर, तुम्हारे यहां तो नहीं है कोई। हालेलुया। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से उसने कहा, सैनिकों को शक नहीं हुआ और वो चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया राहाब ने? भलाई की। प्रेज़ द लॉर्ड। और भलाई के साथ साथ परमेश्वर के सामने अपने प्रेम को दिखाया। भलाई क्या है? भलाई आप तभी कर सकते हैं जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है। आपके अंदर अगर परमेश्वर का स्वभाव है तभी आप भलाई कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं तभी आप भलाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते आप भलाई। भलाई की आत्मा आपके अंदर जागृत होनी चाहिए।
हालेलुया। तो यहां पर उन्होंने रहाब ने उन दोनों को बचाया और यहां से उसने भेज दिया और उससे कहा कि मैं जानती हूं कि यहोवा ने लाल समुद्र को दो भागों में बांटा था और किस तरीके से यहोवा ने आप लोगों को बचाया है और आप ने जो काम किए हैं, आपने जो राजाओं को जीता है उसकी वजह से यरीहो पूरा शहर डरा हुआ है। इसलिए जब आप यहां पर आए और यरीहो शहर को जीते तो मुझे याद करना। हालेलुया। तो क्या करना? मुझे याद करना, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बचाया है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप मुझे याद करना। और यहां पर जो दो जासूस इज़राइलीस जो आए थे उन्होंने वाचा बांधी। अब देखिए इस वाचा में क्या है, ये वाचा पूरी तरीके से परिवर्तित करती है। ये वाचा किस तरीके से, इस वाचा के द्वारा किस तरीके से रहाब वेश्या और उसका पूरा परिवार परिवर्तित हो गया। आमीन। जब आप वाचा में आते हैं तो आपको क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग यहां वाचा में है? हेलो, एक ही है क्या? हम वाचा में हैं। हालेलुया। और हमें वाचा के अनुसार जीवन जीना है। तो यहां पर जो सैनिक थे, जो इजरायली आए हुए थे, उन्होंने उससे क्या कहा? देखिए मैं आपको बताता हूं, 15 से अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, 17 से पढ़ता हूं, 17 से 21। तब पुरुषों ने उससे कहा, तूने जो शपथ हमें खिलाई है उससे हम इस शर्त पर मुक्त ठहरेंगे कि हमारे इस देश में प्रवेश करने पर यदि तू इस खिड़की पर जिससे तूने हमें बाहर उतारा है लाल धागों की ये रस्सी लटकाकर न रखे तथा इस घर के भीतर अपने पास अपने पिता, अपनी माता, अपने भाइयों और अपने पिता के सारे घराने को एकत्रित करके न रखे, यदि कोई तेरे घर के द्वार के बाहर सड़कों पर जाए तो उसके रक्त का दोष उसी के सर पर होगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। तेरे परंतु तेरे घर के भीतर रहने वाले किसी व्यक्ति पर यदि किसी का हाथ पड़े तो उसके रक्त का दोष हमारे सिर पर होगा, परंतु यदि तो हमारा भेद खोले तो हम उस शपथ से जो तूने हमें खिलाई है स्वतंत्र हो जाएंगे। तब उसने कहा कि तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उन्हें विदा किया और वे चले गए और उसने लाल रस्सी को खिड़की पर बांध दिया। आमीन। लाल रस्सी किसका प्रतीक है? यीशु का प्रतीक, यीशु के लहू का प्रतीक है। हालेलुया। आज यीशु के लहू से हम शुद्ध हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यीशु का लहू हमारे जीवन में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम वाचा में बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं? आज 1 कुरिन्थियन 11:25 में लिखा हुआ है कि जब भी तुम इस प्याले को पियो तो तुम उस वाचा में बंध जाओगे कि जब तक यीशु नहीं आता तो जब तक तुम उसकी मौत का प्रचार करो। हालेलुया। यानी कि उसका लहू हमें वाचा में बांधता है। रहाब वेश्या जो है वो वाचा में बंध गई थी, उन्होंने जाते हुए रस्सी का एक टुकड़ा उसके खिड़की में बांध दिया जिस खिड़की से वो उतरे थे। और उससे अच्छी बात क्या कही? रस्सी का खिड़की बांध दिया और आज से तेरे इस वैश्यालय में तेरा पिता, तेरा भाई, तेरी माँ, तेरे रिश्तेदार रहेंगे। यानी कि अब तू वैश्यावृत्ति नहीं कर सकेगी। आमीन। क्या वाचा बांधी उससे? अब इस तरह वैश्या घर में तेरा पिता तेरे साथ रहेगा, तेरा भाई तेरे साथ रहेगा, तेरा चाचा तेरे साथ रहेगा, तेरी माँ तेरे साथ रहेगी। यानी कि इस घर में अब कोई भी गलत व्यभिचार के लिए नहीं आएगा। ये वाचा है। आमीन। उस वाचा ने, उस भलाई ने जो रहाब वेश्या ने उनके साथ की, उस भलाई ने उसका जीवन बदल दिया। जो उसके अंदर पाप था, वेश्यावृत्ति एक पाप है। हालेलुया। वो पाप उस वाचा ने निकाल दिया। आमीन। क्या किया उस रहाब ने? भलाई की। कुछ नहीं किया उसने, भलाई की। और वो जानती है कि यहोवा परमेश्वर के ये सैनिक हैं, यहोवा परमेश्वर इनके साथ है, क्योंकि यरीहो देश में जैसे यहोवा आएगा हम सब जो उसके बंदे होंगे आजाद हो जाएंगे। आप जानते हैं मेरी बहन, मेरे भाई,
आपको परमेश्वर ने किस बंधनों से आजाद किया है? जब तक आप प्रभु में नहीं थे आप क्या थे आप जानते हैं? आप बंधनों में थे, आप घुट घुट कर जी रहे थे, दलदल की कीचड़ में थे, रोज रेंग रहे थे, रोज आपका डर, मौत का डर, भविष्य का डर हमें सताता था कि अब क्या होगा हमारा, कैसे आप जिंदगी जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस परमेश्वर ने हम पर दया की, हमें दलदल की कीचड़ में से निकाला, चट्टान पे खड़ा करके हमें आजाद किया परमेश्वर ने, क्योंकि उसने भलाई हमारे साथ, ताकि हम उसकी भलाई को देख सकें। आमेन। क्यों करता है वो भलाई? क्यों वो हमारा पिता बनता है? ताकि हम उसकी भलाई को देख सकें। मेरे भाई, अगर आप प्रभु में हैं, अगर आप यीशु के लहू से शुद्ध हैं, अगर आप यीशु के लहू में बंधे हुए हैं, तो आपके अंदर भी वो भलाई उत्पन्न होनी चाहिए। मेरा जीवन भलाई के लिए है। और जब तक आप भलाई करते रहेंगे, मैं सच कह रहा हूं जब तक आप भलाई करते रहेंगे, कोई पाप आपके अंदर नहीं आ पाएगा, कोई पाप नहीं आ पाएगा। अपनी भलाई को मत छोड़िए। इसलिए कहन को परमेश्वर ने क्या कहा? यदि तू भला करे तो ग्रहण नहीं किया जाएगा। आमेन। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें ग्रहण करे, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर रहे, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में काम करे, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी पाप हमारे अंदर ना टिक सके, तो हमें भलाई करनी है, हमें भलाई करनी है। कभी भी घमंड को अपने अंदर मत आने दीजिए कि आप कुछ है तो रम खां, कभी भी नहीं। मेरे भाई, पौलुस को परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य दिया था, तकरीबन 14 किताबें उसने लिखी हैं, इतना प्रकाशन दिया, मुर्दों को उसने जिंदा किया, उसके रुमाल से लोगों ने आशीष पाई, चंगाई पाई, लेकिन कहीं उसमें घमंड ना आ जाए। इसलिए एक कांटा जो उसके अंदर था, वो जो बीमारी थी, वो ठीक नहीं की परमेश्वर ने, नहीं की। उसने मांगा कि परमेश्वर मेरी बीमारी ठीक कर दे। हो सकता है तोतला बोलता हो, उसकी आंखों से कम दिखता हो, उसे नहीं की, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपके अंदर घमंड आए। किसी भी बात का, कोई भी चीज, आपकी प्रार्थना होनी चाहिए कि मुझे कोई भी ऐसा आशीष मत दो जिससे मुझे घमंड आए। कोई भी आशीष मुझे ऐसा मत दो। अगर मेरी प्रार्थना है कि मुझे नौकरी मिल जाए और ये नौकरी मुझे मिलते ही मेरे अंदर घमंड आने वाला है, तो मुझे नौकरी मत दे, मुझे नौकरी मत दे, ये नौकरी मत दे मुझे परमेश्वर। अगर मेरा धंधा बढ़ने से मेरे अंदर घमंड आने वाला है, तो मेरा धंधा ना बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर आपके अंदर घमंड रहेगा, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर काम नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर काम नहीं कर पाएगा जब आपके अंदर घमंड आएगा तो। और अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर काम नहीं कर पाएगा, तो आपके अंदर पाप आ जाएगा। आमेन। उसका अनुग्रह जहां पर होता है, वहां पाप टिक नहीं पाता। वचन कहता है रोमियो 6:24, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, हमारे अंदर घमंड ना रहे, घमंड ना रहे। जैसे राहब वैश्य ने भलाई की थी और उस भलाई के बदले उसे आशीष मिला, उसके परिवार का उद्धार हुआ, उसका जीवन बदल गया,
वो उस वाचा में बहने लगी, उस वाचा में रहने लगी जिस वाचा ने उसे शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, जीवन दे दिया। परमेश्वर की वाचा हमारे लिए किसके लिए? एक नया जीवन, एक नई सृष्टि देने के लिए। हालेलुया। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, यदि हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर कोई भी पाप काम ना करे, कोई भी पाप हमारे अंदर ना बसे, ना रहे, ना टिके। प्रेज द लॉर्ड। बस परमेश्वर का प्रेम बना रहे और परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आप जिस दिन भलाई करना शुरू करेंगे, आपकी पहचान बदल जाएगी, आपका स्वरूप बदल जाएगा। राहब वेश्या की पहचान बदल गई, पहले एक वेश्या थी और उसके बाद एक धर्मी बन गई। आमीन। क्या किया उसने? भलाई की। परमेश्वर की वाचा आपको बदल देती है, आप एक नए मौसम में प्रवेश करते हैं, आप में एक बदलाव आता है, आप में जीवन आता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, अपना दर्शन एक ही रखिए, भलाई अपने जीवन का आधार बनाइए, क्योंकि हमारा मकसद पाप करना नहीं है, हमारा मकसद प्रभु का होना है। क्योंकि आपके अंदर से पाप निकालने के लिए यीशु को मरना पड़ा। अगर हम फिर अपने अंदर पाप लाएंगे, अगर फिर हम पाप से प्यार करेंगे, अगर फिर पाप हमारे अंदर आएगा, तो इसका मतलब हम यीशु मसीह को क्रूस पर दोबारा चढ़ा रहे हैं। हेलो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है बातें? प्रभु आशीष दे। आज का वचन छोटा जरूर है, लेकिन जीवन बदलने वाला है। हम भलाई को बहुत छोटी चीज समझते हैं, बहुत छोटी, कि भलाई नहीं भी किया तो चलेगा। यार मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके हर के जीवन में परमेश्वर ऐसा मौका लेकर आता है कि आप भलाई करें। रोज रोज परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा मौका, ऐसा पल लाता है कि जब आप भलाई करें। और शैतान आपको रोकता है, आपका घमंड आपको रोकता है, अरे नहीं छोड़ो यार, नहीं। और आप चूक जाते हैं, आप चूक जाते हैं। हमें चूकना नहीं है। अगर हमारे मन में परमेश्वर बोझ डालता है भलाई करने का, हमें उसी समय भलाई करनी है, क्योंकि हमारा मकसद पवित्रता का आशीष पाना, पवित्रता का जीवन जीना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आज छोटा सा वचन था, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत आशीष दी। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके जीवन में जरूर काम करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, इन छोटे छोटे वचनों को मैं आपके अंदर बोना चाहता हूं, ताकि आपका जीवन बदले, ताकि रोजमर्रा का जो आपकी सोच है वो बदलनी चाहिए। रोज जो आपकी सोच है वो बदले, हम परमेश्वर के स्वरूप में आगे बढ़े, हमारे अंदर परमेश्वर काम करे। आमीन। हमारा क्या भविष्य होगा, हमारी क्या योजनाएं हैं, परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो सारी काम करेंगी। कैसे परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में काम करेंगी? जब हम उसके अनुसार उसके स्वरूप में चलेंगे। आप करके देख लीजिए, आप परमेश्वर के स्वभाव में शुरू करिए अपना जीवन, परमेश्वर की योजनाएं आपके संग जुड़ जाएंगी, जो हानि की नहीं है, लाभ की है। आपके परिवार के संग जुड़ जाएंगी जब आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे। हमें अपने लिए नहीं जीना है। भलाई हमें क्या सिखाती है? कि हमें अपने लिए नहीं जीना है, हमें दूसरों के लिए जीना है। हमारा जीवन हमारा नहीं है,
पहला कुरिन्थियों 6:19 कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम में वास करता है, लेकिन तुम अपने नहीं हो। हम अपने नहीं हैं। मुझे अगर चंगाई का वरदान मिला है तो मैं सिर्फ अपने लिए चंगाई के आशीष नहीं मांग सकता हूं, मुझे दूसरों के लिए जीना है। मेरा जीवन अपना नहीं है, मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। जिस भाई जिस बहन के लिए आपके अंदर नफरत आ रही है उसके लिए प्रार्थना शुरू कर दीजिए, उसके लिए प्रार्थना शुरू कर दीजिए, आप भलाई के क्षेत्र में आ जाएंगे। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके अंदर नफरत पैदा होगी और वो नफरत आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। याद रखिए, आप अपने अंदर नफरत मत आने दीजिए किसी भी चीज की, किसी के लिए भी। परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप परमेश्वर के विरुद्ध जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यार करिए, प्रेम करिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके साथ होगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ होगा। जीवन में परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में रहेगा और कोई भी पाप आपके अंदर नहीं आएगा, कोई भी पाप आपके अंदर बस नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।